बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खानेवाल में मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल ही अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। मुहर्रमुल हराम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से खानेवाल में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी क्यादत डीपीओ खानेवाल उमर सईद मलक ने की। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस फोर्स समेत मुख्तलिफ दस्तों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च खानेवाल डीपीओ ऑफिस से शुरू होकर शहर चौक, संगलावाला, लक्कड़ मंडी रोड और मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ कबीरवाला पहुंचा और कबीरवाला से मियां चनू रवाना हुआ। बुरेवाला सीईओ एजुकेशन बिहाड़ी हाफिज मोहम्मद कासिम ने कहा है कि फर्द शनास, मेहनती और काबिल असातिज़ा कराम मुल्क कौम का काबिल फख्र सरमाया है। तरक्की पाने वाले असातिज़ा कराम और क्लर्क्स पहले से ज्यादा मेहनत और लगन के साथ अपने फराइज़ सर अंजाम दें। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन बनाने के लिए हमें बच्चों की ज्यादा मेहनत और लगन से तालीम और तरबियत करनी चाहिए। सीईओ एजुकेशन विहाड़ी हाफिज मोहम्मद कासिम की अनथक मेहनत की बदौलत जिला विहाड़ी तालीमी कारकर्दगी के हवाले से पंजाब में नुमाया पोजीशन पर आ गया है। उन्होंने जिला विहाड़ी में मुतअद्दिद असातिज़ा इकराम और क्लर्क्स को आगे ग्रेड्स में तरक्की देने के अहकामात जारी किए हैं, जिन पर असातिज़ा इकराम में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह रहे कि अरसा से असातिज़ा इकराम के प्रमोशन केस पेंडिंग पड़े हुए थे। असातिज़ा इकराम ने सीईओ एजुकेशन विहाड़ी को दुआएं दी। दिहाड़ी पीटीआई सीनियर वाइस सदर जनूबी पंजाब मोहतरमा आयशा नजीर जट ने दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा अफराद को राशन तकसीम किया। इस मौके पर मोहतरमा आयशा नजीर जट ने कहा, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूं कि सैलाब जदा मुतासरीन की ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए आएं। हमें मुश्किल की हर घड़ी में अपने बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ चढ़कर इनका साथ देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान सैलाब से मुतासर अफराद को तमाम तर सहूलियात मुहैया करने के लिए कोशा है। आखिर में आयशा नजीर जट ने कहा कि तमाम रेस्क्यू टीमों के अहलकार जो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मकामी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, वो तसल्ली बख्श और काबिले तारीफ हैं। इस मौके पर आयशा नजीर जट के हमरा साबिक MNA बुरेवाला चौधरी असगर अली जट, मलक रमजान बानी, चौधरी नईम सिंधु जट, मलक रियाज समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। कामों की थाना एमनाबाद के इलाका ऊंचा खोला में बिजली की तारों में करंट आने से मौका पर दो भैंसे जा बहक, मालियत 4 लाख का नुकसान। यूनस जट इलाका में खौफ हरास फैल गया। जानवरों की मौका पर अमवात की वजह से अहले इलाका मकीनों का एहतजाज। मुतासरा मेहनतकश के घर का जरिए मुआश भैंसे जा बहक होने से घर का चूल्हा ठंडा हो गया। मुतासरा यूनस जट के मुताबिक जानवरों की मालियत 4 लाख बताई जाती है और महकमे वापडा का जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ थाना एमनाबाद में दरख्वास्त दे दी गई है। दिहाड़ी मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से किसी की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DSP राव तारिक परवेज और SHO लुडन सैयद आरिफ शाह की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, मुहर्रमुल हराम में मेहनत, मोहब्बत, रवादारी और एक दूसरे के मसालिक का एहतराम जहां अमन की जमानत है, वहां आपसे इंतशार और मामूली नौयत के झगड़ों का और मुस्तकिल सद्देबाब भी है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरंजाम देनी चाहिए ताकि अशूरा के 10 रोज हमेशा की तरह अमन अमान और मोहब्बत से गुजरें। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर के मुख्तलिफ शहराओं पर एहतजाज रिकॉर्ड किए गए। ये एहतजाज शहर की बड़ी शहराओं माल रोड, केनाल रोड, अंदरून शहर फैरोजपुर रोड और कैंट एरिया शोभा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों, स्कूल कॉलेजेस के तलबा, सरकारी और नीम सरकारी दफातर और प्राइवेट दफातर के मुलाजमीन ने शिरकत की। इन मुलाजमीन ने अपने दफातर और कंपनीज को पहचान बनाकर पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे थामे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कामों की में यौमे यकजहती कश्मीर के सिलसिले में सरकारी सिविल सोसाइटी और तालबे इल्मों की तरफ से GT रोड पर रैलियां, मोदी का पुतला बनाकर तिरछोल घोंपा गया। वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत पर मुल्क भर की तरह कामों की में भी यौमे यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया गया। म्यूनिसिपल कमेटी से सरकारी तौर पर रैली निकाली गई, जिसकी क्यादत
असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास ने की, जबकि तालिबे इल्म और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी जीटी रोड पर रैली निकाली गई। ट्रैफिक भी बंद रही। रैलियों में सैकड़ों तालिबे इल्मों ने शिरकत की और कश्मीर के हक में नारेबाजी की। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से निकाली गई रैली में नरेंद्र मोदी का पुतला भी बनाया गया। रैलियों में तालिबे इल्म बसों पर चढ़कर भारी तादाद में शरीक हुए। कामोकी के इलाका हबीबपुरा में ओबाश नौजवान ने 11 साल लड़के को बदफेली का निशाना बना डाला। कामोकी के इलाका हबीबपुरा का 11 साल उस्मान मोहल्ला में ही कढ़ाई के कारखाने में काम करता है, जिसको काम के दौरान ही मुलजिम अनीस ने पकड़कर एक कमरे में बंद करने के बाद जबरदस्ती बदफेली का निशाना बना डाला। लड़के के शोर मचाने पर मुलजिम ने इसको जबरदस्त तशद्दुद का निशाना भी बनाया और इसकी हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने लड़के को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मांगा मंडी रेवेंट रोड निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन ने भाइयों से इजाया यकजहती के लिए नाराबाजी की। पंजाब के तमाम इजला की तरह मांगा मंडी की निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन और एडमन स्टाफ ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम लेकर रहेंगे कश्मीर के नारे फिजा में गूंज उठे। और DGM मुरातब अली ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आजाद होंगे। मोदी सरकार ने अकलियतों के साथ जो सलूक किया है, ये हालिया सदी की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की यही आवाज है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीर आजम पाकिस्तान ने वाजिया कर दिया है कि कश्मीर के हल के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। चिश्तियां वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के ऐलान पर आज पूरे मुल्क की तरह चिश्तियां में भी अवाम का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती। तमाम मकतबा फिक्र के लोग, हत्ता के तालिब इल्म, असातिज़ा और बच्चों की भी भरपूर शिरकत। 12 बजे सैरन बजाकर ट्रैफिक रोक दी गई। तमाम अवाम ने पाकिस्तानी और कश्मीरी तराना पढ़कर यौम आजादी मनाया। कश्मीर की आजादी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए आज सारे शहर की अवाम घरों से निकल आई। अवाम का अपने कश्मीरी भाइयों के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। दुआ के बाद एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अवाम का समुंदर उमड़ आया। अवाम ने कश्मीरी नगमे और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। दुनिया को कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल मोहब्बत का और भाईचारे का इजहार किया। अवाम की जानिब से मोदी का पुतला बनाकर जलाया गया। चिश्तियां आदम शुगर मिल के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कर्नल खुरम निसार ने सिविल इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस 2015 और 2017 में निकाले गए मजदूर जिनके केसेस हाईकोर्ट और मुख्तलिफ लेबर डिपार्टमेंट में जारी हैं, इनमें रकम की तकसीम जो कि नाजायज मुतालबात थे, इनको चीनी की बोरियां की जबरदस्ती नीलामी करके रकम तकसीम की गई। सिविल इंतजामिया इस साल भी नीलामी का सिलसिला दोबारा करने जा रही है। आदम शुगर मिल के साथ ज्यादती है। अगर एक मजदूर जिसकी रकम 72,07,20,000 रुपए, इंतजामिया ने इसकी कीमत 310 रुपए बोरी रखी है, जबकि मार्केट कीमत 3500 के मुताबिक 206 बोरी होने चाहिए। मौजूदा 104 बोरी किसके पास जा रही है? सिविल इंतजामिया इसका जवाब दे। मौजूदा इंतजामिया ध्वंस और बदमाशी के साथ नीलामी करवा रही है, जबकि किसी भी केसेस के बारे में हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हमारा मुतालबा है कि नीलामी जरूर करें, लेकिन इसका पैसा तकसीम ना करें, जबकि हम इसका पैसा हाईकोर्ट में जमा करवाना चाहते हैं। साहब का जो नीलामियां की गई हैं वो रिकॉर्ड में सही की जाएं, नहीं तो ये आदम शुगर मिल के साथ ज्यादती होगी। तहसील चीचावतनी थाना सदर की हदूद 39-12L में 3 बच्चों की मां से मालिक मकान का मुबैना ज्यादती। पुलिस ने खातून का मेडिकल करवा लिया। बासर अफराद की FIR को रुकवाने के लिए कोशिशें जारी। चीचावतनी थाना सदर की हदूद चक नंबर 39-12L में मालिक मकान ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। बासर अफराद की जानिब से FIR रुकवाने के लिए कोशिशें जारी। बिहाड़ी मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी DSP सर्कल सदर के ऑफिस के सामने कश्मीरियों से इजाया यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। तकरीब में DSP ऑफिस के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की। DSP और
राव तारिक परवेज ने कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कोई इसे पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकता। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर जरूर आजाद होगा। डीएसपी राव तारिक परवेज का कहना था कि कश्मीरियों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा और हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब तक कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इंडिया से आजादी नहीं मिल जाती, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब में रेडरी एसपी अशरफ बलोच, सब इंस्पेक्टर यासर नवाज, मोहम्मद खावर साबर, हुसैन मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सलीम, मिर्जा खुरम, मोहम्मद इमरान और कुर्बान अली के अलावा स्कूल के बच्चों ने भी खसूसी शिरकत की और रैली भी निकाली। शेखुपुरा मिली मुस्लिम लीग के जेर एहतमाम कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के बढ़ते हुए मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जिना पार्क से रैली निकाली गई, जिसकी क्यादत मिली मुस्लिम लीग के जिले सदर चौधरी शहजाद अली विर्क ने की, जिसमें कारकुनान और दीनी मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कायदीन ने शिरकत की। रैली में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद और कश्मीरी भाइयों के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शहजाद अली विर्क ने मसला कश्मीर के फौरी हल पर जोर देते हुए कहा कि अकवाम मुत्तहिदा को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लेना होगा। भारत जो कि अजल से पाकिस्तान का दुश्मन है, अब इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बावजूद खवातीन और मासूम बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है। भारत दुनिया में एक और करबला पर बर्पा कर रहा है। मुस्लिम बिरादरी भारतीय मुजालिम और इस्तबदार में घिरे हुए मजलूम कश्मीरियों को फौरी मदद को पहुँचे। अकवाम आलम इसराइल और भारत को इंसानी कत्लेआम से रोकें और अकवाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से मुतालबा करें कि दोनों सलामती कौंसिल के पास शुदा करारदादों पर अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपील पर आज मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के एमएस और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हजरात ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के 10 मिनट की खामोशी इख्तियार की। एमएस इमरान राठौर ने कहा, पाकिस्तानी कौम हर बाहर निकलकर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की मिसाल कायम कर दे और भारतीय मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करें। भारत के नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा है नकाब, भारत की नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मुश्किल की इस घड़ी में अपने कश्मीरी बहन भाइयों को निहत्ता नहीं छोड़ सकते। मकबूजा कश्मीर हमारा है और हम दिलो जान से इसके हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.satlujnews.com।